सोनिया सच की तलाश में बिल्कुल सही राह पर चल पड़ी थी। सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश उसे 864 पुलों के ऊपर से और 102 सुरंगों के बीच से कालका शिमला ट्रैक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर ले गया। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ये एक बिल्कुल नई दुनिया है। यहाँ के नजारे और यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत है। अब पता चला कि शिमला को पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है। हम चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के बारे में बात करें या बेहद खूबसूरत नाल देहरा की या शाही चैल महल की, ये सब कितना शानदार है। ये महल अब एक होटल में तब्दील हो चुका है, पर इसकी हिस्ट्री अभी तक सुरक्षित है। शायद यही वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। इस जगह की रिदम और वाइब्रेशन में ऐसा जादू है कि यहाँ बस जाने को जी चाहता है। जहाँ सोनिया ने खूबसूरत वादियों के बीच ट्रेन से सफर तय किया, वहीं डॉक्टर घोष यहाँ फ्लाइट से आए और यहाँ कदम रखते ही वो चल पड़े अपनी यात्रा पर। ऐसी भूमि जहाँ कभी पांडवों ने अपने चरण रखे थे, मनाली के हिडिंबा मंदिर में जाकर उन्होंने खुद को धन्य माना। और फिर वो चल पड़े पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर, जहां उन्हें लगा कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ उनकी है। कुदरत के सबसे खूबसूरत नजारों के बीच उन्होंने महसूस किया कि मौज करने की कोई उम्र नहीं होती। पर ये तो बस शुरुआत थी। इस जन्नत सी जगह में अचंभों की कोई कमी नहीं है। यहां की नदियों का पानी और बहाव एंगलिंग के लिए एकदम उपयुक्त है। अब जिसको एंगलिंग का शौक है उसके लिए इस जगह का कोई जवाब नहीं।